हमारे साथ मौजूद है। अभी एकता सम्मेलन जमीयत उलमा हिंद का यहाँ हुआ, उसमें स्वामी जी ने एक स्पीच दी, जिस हिसाब से स्वामी जी एक सिनेरियो बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, बताया जाता है कि हिंदू है तो मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान है हिंदू से नफरत करता है, क्या कहना चाहेंगे जो नफरत कर रहा है? देखिए, नफरत से किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में किसी का नुकसान नहीं होता, इसलिए ये मोहब्बत का पैगाम है कि कोई भी इस तरह के वातावरण को फैलाए बिल्कुल मत फैलने दीजिए, अपने दिलों को संभाल के रखो, ठीक है। संसद में दिल बनेंगे और इन सभाओं में दिल बनेंगे, तो दिल जब एक रहेंगे ना तो किसी भी दिल होगा उसका सम्मान करते हुए वतन को एक बनाए रखेंगे। अभी दारुल उलूम देवबंद को लेकर के भी एक बड़ी कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की गई और बताया गया कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, क्या कहेंगे लगातार मदरसों को लेकर के भी हमारे सरकार द्वारा कार्रवाई की गई? मुझे लगता नहीं है कि मदरसों को लेकर है, मदरसा हो या कोई भी आश्रम हो या कोई संस्था हो, यदि जहाँ आयात आ जाती है इनलीगल आपत्ति अपना बोलते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली जहाँ तक मैं समझता हूँ क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ जाता रहता हूँ, कहीं भी ऐसा मन में कोई ऐसा भाव नहीं है जो किसी वजह से कम है। यदि मानिए ये गलत तो दीवार किसी ने भी खड़ी की हो, चाहे वो दिल में हो चाहे वो जिंदगी में समुदाय को भी लगातार काम करने की बातें की जाती है, कराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी यूएपी बिल ला पास किया जाता है, बताया जाता है कि इस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या कहेंगे नफरत का माहौल सारी जो शक है ना सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, सारा सब कुछ बदल जाएगा। तो स्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि प्यार और मोहब्बत से ही देश को जीता जा सकता है।